बीच बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम का 4 दिनी दौरा रहने वाला है। जनता और कार्यकर्ताओं का मूड टटोलने के लिए वो मरकाम अपने दौरे पर निकले हैं। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों की अपेक्षाओं की जानकारी लेंगे और अंबिकापुर बलरामपुर कांग्रेस नेताओं की बैठक भी बोलेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो पीसीसी चीफ अध्यक्ष मोहन मरकाम का दौरा है, जनता और कार्यकर्ताओं का मूड टटोलने के लिए वो बैठकें लेंगे, दौरा करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से खास मुलाकात उनकी होगी। तो अंबिकापुर और बिलासपुर में विशेष दौरा पीसीसी चीफ का रहने वाला है। जाहिर तौर पर चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का मूड भी जांचना परखना जरूरी है। दोनों ही पार्टियां या विपक्षी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं आगामी चुनाव को लेकर। निकाय चुनाव की तैयारियों को देखते हुए कार्यकर्ताओं से खास मुलाकात होगी और जनता का मूड भी जानने की कहीं ना कहीं कोशिश होगी और उसी के आधार पर मैनिफेस्टो और तमाम चीजें तैयार की जाएंगी। तो कुल मिलाकर पीसीसी का ये दौरा आगामी चुनाव को लेकर ही देखा जा रहा है। तो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से खास मुलाकात पीसीसी चीफ की होगी, यानी अध्यक्ष मोहन मरकाम की होगी। 4 दिनी दौरे पर वो रहने वाले हैं। इस बीच वो बैठकें भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और साथ ही जनता का मूड जानने की भी वो कोशिश करेंगे। पीसीसी चीफ अध्यक्ष मोहन मरकाम का 4 दिनी दौरा, जनता और कार्यकर्ताओं का मूड टटोलने की एक कोशिश होगी उनकी। और ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। हेमंत, 4 दिनी दौरा पीसीसी चीफ का रहने वाला है, किस तरीके से बैठकें होंगी, कार्यकर्ताओं से किस तरीके से मुलाकात होगी, क्या पूरा उनका स्केड्यूल रहने वाला है 4 दिनों का? देखिए गुजरात, कुछ महीनों बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का चुनाव होना है और इसी सिलसिले में लगातार जो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है वो अलग अलग जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं का मूड टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है, इसकी भी वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ पर ये कमी देखी जा रही है वहाँ पर दुरुस्त करने की हिदायत भी वहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता और जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उन सभी को वो हिदायत दे रहे हैं कि आगामी निकाय चुनाव होना है और ऐसे में पुख्ता तौर पर कितनी ये पूरी कोशिश मोहन मरकाम की है और इसीलिए लगातार वो दौरा कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सरकार के कामकाज और योजना है उसको लेकर भी लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं इसकी भी जानकारी वो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज से अगर उनका देखा जाए तो लगातार 4 दिन का दौरा है, भीमतरक, वर्धा, बिलासपुर, कोरिया, अंबिकापुर और तमाम ऐसे जगह है जहाँ पर वो दौरा करेंगे। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उनका लगातार जो कार्यक्रम है भीमतरक, वर्धा, मुंडली में चलता रहेगा और फिर लगातार वो इसकी समीक्षा कर रिपोर्ट एक तैयार करेंगे और रिपोर्ट और कहीं ना कहीं आला कमान को वो सौंपेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।